कल जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था ज्योमेट्रिक मीन पे पढ़ा था कि हम किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एवरेजेस का ही चल रहा है। सबसे पहले हमने जिसमें मीन पढ़ा, उसके बाद हमने मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, अब हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, फिर अब हम हार्मोनिक मीन पढ़ने जा रहे हैं जो कि इसका लास्ट है। आप देखिए हार्मोनिक मीन क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन, यानी आपकी एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। एरिथमेटिक मीन हमें क्या कहता था, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वन ओवर एक्स। कैसे कि यानी एरिथमेटिक मीन का भी, मीन के अंदर की भी जो वैल्यूज होंगी उनका भी अगेन रेसिप्रोकल होगा। यानी रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन देन रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नीचे वाली वैल्यूज का भी क्या होगा, आपके पास रेसिप्रोकल होगा। अब दो तरह के इसके अंदर भी फॉर्मूलाज आते हैं, एक अनग्रुप के लिए हम करते हैं और एक हम ग्रुप डेटा के लिए करते हैं। अनग्रुप के लिए हम क्या, हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समेशन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन का जब आप लोग सम लेते हैं तो वो आप कहाँ लिखते हैं, इसके अंदर अंडर लिखते हैं। तो आपका अनग्रुप का जो हार्मोनिक मीन है वो इजीली आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात जब करते हैं कि हमारे ग्रुप डेटा के हार्मोनिक मीन की, तो सिंपल सी बात है, जहां पर आपका एन इन्वॉल्व था वहां पे आपने क्या किया, एफ को इन्वॉल्व किया, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। बात वही डेफिनेशन की आ रही है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है तो आपका जो है डाटा, कोई भी डाटा है वो ग्रुप बन जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल सिंपल इसकी अनग्रुप डाटा के लिए एग्जांपल करें, पिछली एग्जांपल लेट सपोज हम उठा लेते हैं, गिवन था एक्स वन भी फोर था, एक्स टू भी फोर था और हमारे पास एक्स थ्री जो था वो भी फोर था। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा अनग्रुप डेटा है, तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो ये वाला था। ये बात हुई। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास एन कितना है, थ्री। ठीक है, एन हमारे पास थ्री है, जिनमें एक्स वन की वैल्यू क्या है, फोर, एक्स टू की वैल्यू क्या है, फोर और एक्स थ्री भी क्या है, फोर। फॉर्मूले में अगर पुट करें तो फॉर्मूले का मतलब क्या है, समेशन यानी जितनी भी आपके पास वैल्यूज है उनका, कौन कौन सी है आपके पास वैल्यूज है, एक्स वन एक्स टू देन एक्स थ्री। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, एन में क्या था, एन हमारे पास क्या है, थ्री डिवाइडेड बाय वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर फोर। क्या हुआ यहाँ से, थ्री डिवाइडेड बाय थ्री ओवर फोर। यहाँ से हम सिंपल, यहाँ से थ्री क्रॉस फोर डिवाइडेड बाय थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या होगा, फोर होगा। तो हम इस तरह से अपना हार्मोनिक मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमारे पास हार्मोनिक मीन में हमने बात क्या की है, रेसिप्रोकल होता है आपके एरिथमेटिक मीन का, और उस फिर आप दोबारा से एरिथमेटिक मीन वाली जो वैल्यूज होती हैं या ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका भी आप अगेन से रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने हार्मोनिक मीन के अंदर क्या बात की है कि हमारा एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूले को यूज करते हैं, जबकि जो ग्रुप होता है हमारे पास उसमें हार्मोनिक मीन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमने ये एग्जांपल ली थी तो इसके थ्रू हमने इस तरह से काम किया था। अगर यहीं पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारी फ्रीक्वेंसीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि लेट सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बताएंगे कि हमने इसका किस तरह से ग्रुप डेटा के लिए लेते हैं। तो एक और एग्जांपल हम इसकी लेते हैं जिसमें हम कहते हैं एक्स वन जो है वो हमारे पास फोर है, एक्स टू हमारे पास फोर है, एक्स थ्री हमारे पास फोर है, साथ हम कहते हैं एफ वन जो है वो हमारे पास ये है टू है, एफ टू जो है वो हमारे पास वन है और एफ थ्री जो है वो हमारे पास थ्री के वन है। लेट सपोज अपने पास से कोई भी हमने वैल्यूज उठाई, हमने जस्ट इस पे अप्लाई करके देखना है कि हम किस तरह से हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन जब आपके ग्रुप डेटा, ये अब आपका ग्रुप डेटा है क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हुई हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ बाई एक्स। अब इसको अगर हम खोल के देखते हैं फर्दर तो हम किस तरह से लिखेंगे, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, तीन ही है ना फ्रीक्वेंसीज, डिवाइडेड बाय एफ वन ओवर एक्स वन प्लस एफ टू बाय एक्स टू प्लस एफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स थ्री। यहाँ तक अब देखिए एफ वन की वैल्यू क्या है आपके पास, टू, एफ टू की वैल्यू क्या है, वन और एफ थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री डिवाइडेड बाय एफ वन की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स वन की वैल्यू। एफ टू की वैल्यू क्या थी, वन, जबकि एक्स टू की वैल्यू क्या थी आपके पास, फोर। इसी तरह एफ थ्री की वैल्यू क्या थी आपके पास, थ्री, और एक्स एफ थ्री की सॉरी वैल्यू आपके पास थ्री थी और एक्स थ्री की वैल्यू क्या थी, फोर।
फोर थी। इनको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 बाय 4। ठीक है आंसर तो आपके पास तब भी आंसर क्या आता है 4 आता है। ठीक है तो ये मतलब ये था कि हमने एक तरफ से देखा कि हमारे पास ग्रुप डेटा को हम लेके किस तरह से अपने हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और पीछे हमने ये देखा था कि हम जो है अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह से हार्मोनिक मीन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं था, हमने सबसे पहले इस पूरे चैप्टर पे जो भी वीडियोस बनाई हैं उनमें हमने सिर्फ ये बताया था कि एवरेजेस बेसिकली क्या होती है, यानी आप अपनी सेंट्रल टेंडेंसी को मैयर किस तरह से करते हैं। तो अब एवरेजेस में भी आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती थी जिसमें आपने मीन को पढ़ा, मीडियन को पढ़ा, मोड को पढ़ा और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ी, हार्मोनिक मीन पढ़ी। लेकिन अगर आपको लगानी पड़े तो आप सबसे जो बेस्ट मेथड है आपका वो आपका एरिथमेटिक मीन है। क्यों? क्योंकि मीडियन जो होता है ना वो आपकी कुछ वैल्यूज के ऊपर बेस कर रहा होता, जबकि जो आपका मीन है वो सारी ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलता है, जबकि जो आपका हार्मोनिक मीन है वो आपको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देता है वैल्यूज, जिस वजह से आपकी अगर बहुत छोटी यानी एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए तो आपका मीन उससे काफी हद तक इफेक्टेड होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।